हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट डेज जो आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। एसएससी सीजीएल जो आपका आ रहा है, ठीक है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो मैंने इसको तीन सेक्शंस में कवर कराया है, बेसिकली चार सेक्शन में। वैसे आपने देखा होगा आपको पीडीएफ भी मिल जाती है पूरी की पूरी, लेकिन मैंने इसमें आपको जनवरी फरवरी मार्च तक के लिए दिया है। और फिर उसके बाद मैं आपको सेकंड वीडियो में आगे तीन महीने, फिर तीन महीने, और उससे आपको क्या होगा, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो आपको जल्दी से जो डेज हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखना, क्योंकि इसमें कोई ना कोई डे हमेशा बार बार पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। पहला डे 1 जनवरी को आता है आपका ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है। पहली जनवरी हो गई तो फैमिली का जिक्र हो गया यहाँ पर, ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को आता है आपका लुइस बरेली डे। 9 जनवरी NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका 10 जनवरी, 10 जनवरी को आता है आपका वर्ल्ड हिंदी डे। देन 12 जनवरी, 12 जनवरी को आता है आपका नेशनल यूथ डे। 13 जनवरी को पड़ता है आपका गुरु गोविंद सिंह जयंती, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, अपने और डेज देखते हैं। 15 जनवरी को आपका पड़ता है इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी को पड़ता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है। 24 जनवरी को आती है आपकी राष्ट्रीय बालिका दिवस, या फिर आप बोलते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। 24 जनवरी को ये पड़ता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को आता है आपका टूरिज्म डे, और एक है आपका नेशनल वोटर्स डे, वो आपका पड़ता है 25 जनवरी को। 26 जनवरी को कौन कौन से दिन आते हैं, सबसे पहला आता है आपका इंडियन रिपब्लिक डे, ये तो सबको पता ही है। सेकंड जो आता है आपका वो है इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ठीक है, नेशनल नहीं है ये, इंटरनेशनल कस्टम्स डे है, तो ये पड़ता है आपका 26 जनवरी को। अब आगे चलते हैं, 27 जनवरी को आपके कौन कौन से दिन आते हैं। 27 जनवरी को आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन मेमोरी इन द विक्टिम्स ऑफ होलोकास्ट, ठीक है। 30th को आता है आपका मैरिटर्स डे, ये इम्पॉर्टेंट है, लेप्रोसी प्रिवेंशन डे, ठीक है, 30th जनवरी को आता है। फिर आपका 30th जनवरी को ही आता है आपका सर्वोदय डे, ठीक है, इंडिया में। फिर है आपका, अब हम शुरू करते हैं फरवरी का, और देख लेते हैं फरवरी में कौन कौन से आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स और डेज पड़ रहे हैं। 1 फरवरी को, जो कि 1 फरवरी है आपका, वो है आपका कल्पना चावला डेथ एनिवर्सरी। 2 फरवरी को आता है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे और वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप करना इसको 2 फरवरी को ही आपसे पूछा जाता है। फिर आपका 4 फरवरी, 4 फरवरी को है आपका वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। फिर 6 फरवरी, 6 फरवरी को है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। रिसेंटली इसका टॉपिक भी बहुत छिड़ा था जेनिटल म्यूटिलेशन का, तो आपको पता होगा ये क्या होता है, ठीक है। कई कंट्रीज़ में जो है ये आज प्रथा है वो आज भी फॉलो होती है जेनिटल म्यूटिलेशन की। तो ये है आपका ज़ीरो टॉलरेंस 6 फरवरी के ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। फिर है आपका 7 फरवरी, 7 फरवरी को है आपका सेफर इंटरनेट डे, और ये कब पड़ता है, सेकंड डे ऑफ सेकंड वीक ऑफ फरवरी में, ठीक है, सेकंड वीक के सेकंड डे फरवरी के सेफर इंटरनेट डे, जो कि है 7 फरवरी को। फिर है आपका 10 फरवरी, 10 फरवरी को आपका पड़ता है वर्ल्ड पल्सिस डे और नेशनल डी वार्मिंग डे, ओके। अब हम चलते हैं नीचे, ये है आपका 11 फरवरी, 11 फरवरी को आपका पड़ता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस थॉमस एडिसन बर्थ एनिवर्सरी, ओके। देन हम नीचे मूव करते हैं, वो है आपका 12 फरवरी, 12 फरवरी को आपके कौन कौन से दिन आते हैं, ये आता है आपका इंटरनेशनल डार्विन्स डे, फिर आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, दो दिन आते हैं आपके इंटरनेशनल डार्विन डे और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को। 13 फरवरी को आता है आपका वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेंस डे, ठीक है, दो दिन पड़ते हैं 13 फरवरी को, वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेंस डे। 14 फरवरी, इस दिन को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा भी जानता है इस दिन को, तो ये आपका वैलेंटाइंस डे, ठीक है।
आपका 20th February, 20th February को आपका कौन कौन से दिन पड़ते हैं, ये आता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। फिर 21st February को आपका पड़ता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ओके, ये हम 21st February को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 24th February ये इम्पॉर्टेंट है आपका, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट है। 24th February को आता है आपका सेंट्रल एक्साइज डे। देन 28th February को हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं, 28th February नेशनल साइंस डे। 21st February इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 24th February नेशनल एक्साइज टैक्स डे, ठीक है, 28th February नेशनल साइंस डे। चलो गाइज, अब हमारा फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज कंप्लीट हो गए, अब हम चलते हैं मार्च के डेज पे, ठीक है। अब 1st March को आपका क्या है, आपका 1st March को कौन कौन से दिन पड़ रहे हैं आपके, 1st March को आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये आपका पड़ता है 1st March को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। फिर है आपका 3rd March, 3rd March को आपका पड़ता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और नेशनल डिफेंस डे, ठीक है। एंड माइंड यू, ये इंटरनेशनल नहीं है, ये है नेशनल डिफेंस डे जो कि 3rd March को पड़ता है, और 3rd March को ही पड़ता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। फिर है आपका 4th March, 4th March को आपका पड़ता है नेशनल सिक्योरिटी डे, 4th March नेशनल सिक्योरिटी डे। 8th March को आपका पड़ता है इंटरनेशनल विमेंस डे, ऊपर हमने नेशनल पढ़ा था, अब 8th March को आपका पड़ता है इंटरनेशनल विमेंस डे। देन 10th March पे आते हैं, 10th March को आपका पड़ता है वर्ल्ड किडनी डे। ओके, हम फिर से रिवाइज करते हैं, 1st March, 1st March को है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 3rd March को है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और नेशनल डिफेंस डे, 4th March नेशनल सिक्योरिटी डे, 8th March इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 10th March वर्ल्ड किडनी डे। अब 2nd Monday March को, 2nd Monday जो होता है उसको पड़ता है आपका कॉमनवेल्थ डे, ठीक है। 2nd Monday in March इज ऑब्जर्व एज कॉमनवेल्थ डे। अब आते हैं हम 11th March को, 11th March को है आपका CISF फाउंडेशन डे, 11th March को है CISF फाउंडेशन डे। 15th March को आपका पड़ता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है, 15th March इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 16th March को आपका पड़ता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। ओके, 18th March को है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे और दूसरा ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, दो दिन पड़ते हैं 18th March को जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे एंड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। अब हम आते हैं नीचे 20th March, 20th March को आपका पड़ता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे एंड वर्ल्ड स्पैरो डे, ठीक है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब पड़ता है, 20th March और वर्ल्ड स्पैरो डे। अब 21st March को हम देखते हैं कौन कौन से डेज आते हैं आपके, 21st March को आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, फिर आपका पड़ता है एक इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो पड़ता है आपका एलिमिनेशन, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे 21st March को, और साथ ही साथ 21st March को पड़ता है आपका वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ठीक है, तीन दिन पड़ते हैं आपके 21st March को। 22nd March को आपका है वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व होता है आपका, 22nd March। अब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, ये आपका पड़ता है 23rd March को। ओके, फिर आप हम देखते हैं वर्ल्ड टीवी डे, वर्ल्ड टीवी डे पड़ता है आपका 24th March को, और फिर हम आते हैं नीचे सेक्रीफाइस डे ऑफ गणेश शंकर विद्यार्थी, ये पड़ता है आपको 25th March को, ठीक है। अब 26th March है आपका नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश, नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश ऑब्जर्व करता है कब, 26th March को। 27th March है आपका वर्ल्ड थिएटर डे, 27th March को है आपका वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है गाइस। तो ये था आपका आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको जनवरी से लेकर मार्च तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं, जनवरी से लेकर मार्च तक के इम्पॉर्टेंट डेज मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब मैं आगे मार्च, अप्रैल से लेकर जून
नेक्स्ट पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी। इसी तरीके से छोटी छोटी आपको चार पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, आप साथ साथ उसको देखना, ठीक है। और जैसे आप चला के देखेंगे तो उसमें आपको साथ रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपका एकदम से सारी वीडियो बना देती, इतनी बड़ी सी कर देती, तो आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, आधी चीज़ आप भूल जाते, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल रहेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, ये इम्पोर्टेंट डेज है। ओके गाइज, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अब जल्दी आती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।